हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आई न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेनेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक यूनिवर्सिटी है, उसके कोलिजन में जो है बनाया गया है। तो चलिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानते हैं। तो ओवरव्यू पहले आपको बता देता हूँ कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो 2016 में हुआ है, और इस इंस्टीट्यूट जो है वो प्राइवेट है, और इसका एरिया जो है लगभग 68 एकर्स का एरिया है, और लोकेशन जो है नोएडा उत्तर प्रदेश है। कॉलेज जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा जो है फंडिंग किया जाता है इस कॉलेज में, और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो है इस कॉलेज का देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीनरी का भी खूब ख्याल रखा गया है। यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन के लिए आपको जो है तीन मोड है। आप SAT जो साइट का एग्जाम होता है उसके स्कोर के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपके 12th के बेसिस पे, 12th बोर्ड के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया जो है JEE है, JEE मेंस के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी है कि आपको 50% जो है कम से कम 10th या 12th में आपको मार्क्स होना चाहिए, और 12th में आप जो है 50% मार्क्स के साथ आप PCM जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने ऑप्ट किया हो। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप जो है आपको 50%, 35%, 20%, 10% अलग अलग एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं कि अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप एडमिशन फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है आपको अलग से जो है कुछ आपका फ़ी वेवियर और स्कॉलरशिप हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नीचे जो है एक्सपर्ट का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बात करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको उस पर मिल जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको मैक्सिमम जो है आपको स्कॉलरशिप मिल सके, फी वीवियर भी आपको मिल सके 75% तक का। स्कॉलरशिप की सीट्स जो है बहुत ही कम होती है, तो आप जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन से आप अप्लाई कर लीजिए। आगे वीडियो पर बात करते हैं। तो स्कॉलरशिप का रेंज जो है बहुत सारा अलग अलग है क्राइटेरिया, जैसे 12th के स्कोर के बेसिस पे, JEE मेंस के सेट स्कोर, IB स्कोर, CUET स्कोर, अलग अलग बेसिस पे आप इस पर एडमिशन ले सकते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आपको जो है BTech का CS ब्रांच जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा 660 सीट जो है CS ब्रांच में अवेलेबल है। BTech में बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 40, इंजीनियरिंग फिजिक्स में 20 सीट्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको 60 सीट्स जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। ये सब जो है कुछ सीट मैट्रिक्स है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फी जो है लगभग 14.4 लाख आपका 4 साल का टोटल लगेगा, और अदर ट्यूशन फी आप बोल सकते हो CSE ब्रांच का 14.4 लाख है, और लगभग लमसम जो है आपको 14 लाख एवरेज सारे के सारे कोर्सेज का आपको मिलेगा। हॉस्टल के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपको ट्विन शेयरिंग हॉस्टल चाहिए, एक कमरे में अगर दो लोग शेयर करके हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको 1.75 लाख पर ईयर हॉस्टल का चार्ज लगेगा, जिसमें मेस का भी चार्ज इंक्लूडेड है। और अगर आप जो है ट्रिपल शेयरिंग करते हैं, तो आपको 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको जो है ट्यूशन फी लगता है, मतलब हॉस्टल का और मेस का चार्ज लगता है। टोटल फी की बात करें तो आपको 21 लाख जो है आपको CSE का, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ब्रांच का होगा, और लगभग अदर ब्रांच के लिए भी आपको 20 लाख के अप्रॉक्स जो है टोटल 4 ईयर का जो है आपको चार्जेस लगेंगे। आगे बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट भी जो है इस कॉलेज से अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स गए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो है कोलिजन में ये कॉलेज है, तो आपको जो है अच्छे अच्छे कंपनीज के ऑफर भी यहाँ आते हैं, जैसे गूगल, एडोबी का हो गया, TCS, नेस्ले, डेल, अमेजोन, विप्रो, ऐसे बहुत सारे मल्टी MNCs के जो है यहाँ पे टैलेंट हंट के लिए आते हैं कंपनीज। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है 53 लाख पर एनएम का गया है आज तक, जो कि एडोबी का, और एवरेज पैकेज जो है सब ब्रांच का आप बोल सकते हैं लगभग 10 लाख पर एनएम तक का एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है लगभग 150 से ज़्यादा कंपनी जो है हर साल यहाँ विजिट करती है, और बोल सकते हैं आपको 10% जो है आपको प्लेसमेंट्स जो है लगभग आप बोल सकते हैं कि जो मेजोरिटी जो कंपनीज आती हैं उसके जो है प्लेसमेंट्स का एवरेज अगर लिया जाए तो 26 लाख पर एनएम का पैक प्लेसमेंट मिलता है। और भी प्लेसमेंट्स गए हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का, अलग अलग प्लेसमेंट्स गया है, 44 लाख, 40 लाख, 30 लाख, ऐसे ऐसे करके प्लेसमेंट्स सब गया है। कैंपस फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो आपको लैब्स जो है हाईटेक लैब्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको जो है कंप्यूटर लैब्स भी आपको IMEC सपोर्ट के साथ दिया जाएगा, इंजीनियरिंग का और भी अदर लैब जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सबका अच्छा इंतजाम किया गया है। लाइब्रेरी भी जो है आपको ऑफर करता है कॉलेज, जो कि 24/7 खुला हुआ रहता है, आपको एयर कंडीशन लाइब्रेरी मिलेगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें।
स्पोर्ट्स की बात करें तो ये भी जो कॉलेज है आपको स्पोर्ट्स का वाइड वैरायटी ऑफर करता है। तो स्पोर्ट्स में जो है आपको अलग अलग हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, अलग इंडोर आउटडोर स्पेस जो है आपको अच्छा मिल जाएगा स्पोर्ट्स के लिए। जिम फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहती है कॉलेज में। और आपको मैं बता दूँ कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इसका फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए जो है स्पेशल जो है एक कोटा होता है जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उसके थ्रू जो है आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा 75% तक का जो है आपको फी वेवियर यानी फी में आपको बचत मिलेगा। और अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से और हमारे एक्सपर्ट से आप कॉल करके बात करते हैं तो आपको जो है मेजोरिटी जितना भी स्कॉलरशिप हो सकता है वो प्रोवाइड कराने की जो है हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी नीचे गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप क्लिक कीजिए और जाके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कीजिए भर के। और एप्लीकेशन फॉर्म का भी कुछ कॉस्ट होगा, उसमें भी जितना कम से कम हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि आपका कॉस्ट जो है लगे। और अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी अदर जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप www.bennett.edu.education.in पे जो है विजिट करें, वहाँ पे कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही आगे वीडियोज़ देखने के लिए।